शिवपुरी थाना कोतवाली अंतर्गत खंडेलवाल फैक्ट्री के पीछे रहने वाला युवक अभिलाष शर्मा लोगों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फरियादी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया, युवक एक महीने पहले से परेशान कर रहा है। युवक ने महिला के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उस पर संजय शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो लगाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। आरोपी युवक इंडियन बैंक में कार्यरत है। डॉक्टर संजय शर्मा ने युवक से बात कर उसको समझाया भी, लेकिन आरोपी ने बोला, यह मेरी आदत है, मैं किसी भी आईडी के साथ करता हूं। साथ में आरोपी ने डॉक्टर की पत्नी के फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दी। डॉक्टर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। उसने जिनको हमने अभी पकड़ा है वो एक महिला की सोशल मीडिया पे कई अश्लील आईडी बना के उनने उसका चेहरा लगा के कई अश्लील नेकेड फोटो उस पर डाले हैं दूसरे लोगों के, तो उसको इस तरह से उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया है। अभी हम पे शिकायत आई तो हमने उनको पकड़ा है और आगे अभी जांच जारी है, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने दिनों से लगभग? 1-1.5 महीने से परेशान किया जा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर संजय शर्मा। तो क्या मामला हुआ है? क्या फेसबुक आईडी फर्जी बना बना कर सबके डालता है। मैंने उससे बात की, मुझे कह रहा मेरी आदत में, बैंक में सरकारी जॉब करता है, बोल रहा था कि मेरी आदत में तो किसी की आईडी मिल जाए, सबके मिले से आईडी बना के और वीडियो बना बना के डालता है। अभिलाष शर्मा। कौन से बैंक में जॉब करता है? इंडियन बैंक में जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब। तो आप क्या इसे पहले से जानते हैं? मैंने तो कभी इसको देखा ही नहीं है, ना यहाँ का रहने वाला, कोटा का है। कैसी आईडी बनाई, किस प्रकार की आईडी बनाई उसने? फेसबुक आईडी बनाई थी और मेरा और मेरी वाइफ का फोटो लगा के और जगह जगह वीडियो बना बना के और जगह जगह रिक्वेस्ट भेजना, वो तो बुला रहा था, मेरी तो आदत में है। और भी इससे पहले कभी, कितने महीने पुराना मामला? 1 महीना पहले पुराना मामला है जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।